पहले मेरे को लगता था कि क्या कर्ज है, मतलब क्या मैंने गलती करी कि मैं ऐसा पैदा हो गया, कि मतलब मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बना दिया। आई एम वेरी प्राउड टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ वुमन। जाओ अगर मैं अपने आप को मेल की जगह ट्रांसजेंडर बताऊं तो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हियर। तभी मैं चर्चगेट में जाती थी, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करती थी, तभी कोई मेरे बाजू में बैठता नहीं था ट्रेन में। मैं घर आके इतना रोती थी। रेंट एग्रीमेंट के लिए जब आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लिए जिसमें मेरी प्रीवियस आइडेंटिटी थी, उनको लगा कि मैं एक फेक इंसान हूँ या फ्रॉड हूँ, तो मेरे को वहाँ से फ्लैट खाली करना पड़ा था। हमारी सोसाइटी में आप नहीं रह सकते हो क्योंकि उनके बच्चों पे असर होगा करके उन्होंने बोला। नहीं, हमारी फैमिली, हम लोग यहाँ पर सब अच्छे संस्कार फैमिली लोग हैं, हम लोग ऐसे लोग को यहाँ पर नहीं रखते करके। मैं जब एडमिशन के लिए गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरा एडमिशन नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि उनको सेक्स चेंज नहीं पता था क्या होता है। फीमेल टू मेल उनके लिए समझना बहुत मुश्किल था। अभी हेल्थ इश्यूज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कोई भी यदि ट्रांस हॉस्पिटल में जाता है तो वो उसे पता नहीं जो वो कौन सा वार्ड में जाए, कौन सा डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि डॉक्टर भी अभी सेंसिटाइज नहीं है। आई हैव नियरली क्रॉस्ड 20 ऑफ कॉलेजेस फॉर माई एडमिशन्स। अभी भी प्रॉब्लम है, मेरे को पानी नहीं देते हैं, मेरे जूते में अगर बाहर रखती तो निकाल के फेंक देते हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो आपके लिए हर एक छोटे छोटे स्टेप वो आपके लिए एक चैलेंज है। टॉयलेट में सिर्फ यूरिनल है, प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए। और फीमेल टॉयलेट तो ना मैं खुद कंफर्टेबल हूँ और ना कोई लेडी चाहेगी कि मैं लेडीज टॉयलेट यूज़ करूँ। ट्रांस महिला जो है, जो सेक्स वर्क में है, उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार होता था, तो हम पुलिस के साथ और लीगल सिस्टम के साथ नालसा जजमेंट को लेके हमने उन लोगों को अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट और नालसा जजमेंट का जो पिटीशन हमारे पक्ष में था, वो भी हम ही इसका पिटीशनर थे। कम्युनिटी का जो बेनिफिट होने वाला है आने वाला 5 साल में, अब कम्युनिटी का सोच भी बदलने लगा, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है। नया नया जो ट्रांस वुमेन आ रहे हैं, वो लोग अभी सोचने लगे हैं कुछ जॉब ट्राई करे, गवर्नमेंट जॉब में गए, कुछ मीडिया में एंकरिंग जैसा करे और कुछ एनजीओ में काम करे, ऐसा सोच आ रहा है। क्योंकि वो लोग एक इंडिपेंडेंट फुल फ्लेज जो आम आदमी और औरत बिताते हैं सोशल लाइफ सोसाइटी में, ऐसा ही बराबर लाइफ अपना राइट्स को लेकर जीना चाह रहे हैं। नालसा जजमेंट आने के बाद मेरे पेरेंट्स मुझे इतना सपोर्ट करने लग गए हैं, बोलने लगे जब गवर्नमेंट को तुमको एक्सेप्ट कर रहा है तो हम मतलब हम भी तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे करके। मम्मी ने मुझे सबसे पहले एक्सेप्ट करी, वो मेरे लिए बहुत